अब जो है चलिए हम आपको हमारे थर्ड रूम की तरफ लेके चलते हैं। वो है हमारा लिविंग रूम और वो हम तीनों का सबसे फेवरेट रूम है, तो चलिए उसको भी जो है देख लेते हैं। तो लिविंग रूम के भी एंट्रेंस में हम लोगों ने ये लगा रखा है और ये है, ये मैंने आपको दिखाई दिया था पहले ही, और ऊपर जो है वेलकम वाला पोस्टर लग रखा है। तो चलिए इस रूम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मम्मी और आंचल जो है बैठे हुए हैं और ये है हमारा सिंगल बेड, और ये बेड जो है ये हम लोगों ने लिविंग रूम में ही लगा रखा है। तो इस पे जो है हम लोगों ने पिलो कवर के सेट रख रखे हैं 5 ठो, और ये मम्मी ने अपने हाथों से ही बनाए हैं। और ये जो कर्टन्स हैं आप लोग देख सकते हो, ये भी हम लोगों ने खरीदे ही हैं। एक्चुअली ये न्यू वाले कर्टन्स हैं, हम इनको रिप्लेस करेंगे। और फिर यहाँ पर जो एरिया आता है, यहाँ पर हम लोगों ने जो 4 फ्लावर पॉट्स हैं वो रख रखे हैं यहाँ पर, और इनके अंदर आज छोटी दिवाली नहीं, सेकेंड दिवाली आप लोग बोल सकते हो, तो इसीलिए हम लोगों ने इनके अंदर फूल और दिए लगा रखे हैं। हम लोग जल्द ही इनमें पेड़ भी लगाएंगे। और फिर ये आता है हमारा एक प्यारा सा वॉल हैंगिंग क्राफ्ट, तो ये क्राफ्ट हम लोगों ने अपने हाथों से ही बनाया है, बहुत सुंदर क्राफ्ट लग रहा है ये। और आप लोगों को हमने शायद पिछले वीडियो में ही दिखाया था, तो ये हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है फिलहाल के लिए। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने ऊपर में लगा रखा है अपना छोटा सा फैमिली फोटो, और उसके जो इर्द गिर्द है हम लोगों ने ये पेपर के दिल बना रखे हैं, और इनको कलर करके हम लोगों ने यहाँ पर एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लगा रखा है, और ये भी हम लोगों ने खुद से अपने हाथों से ही बनाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसा लग रहा है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस साइड पर। तो इस साइड पर यहाँ पर मैंने बना रखी है, आज गोवर्धन है तो इसकी छोटी सी रंगोली, और यहाँ पर जो है एक और मम्मी ने फ्लावर पॉट रख रखा है। तो एक्चुअली तो ये 4 फ्लावर पॉट थे, 3 मम्मी ने यहाँ लगा दिए हैं और 1 मम्मी ने यहाँ लगा दिया है, और ये बना दी है मैंने छोटी सी रंगोली, और इसके जो आसपास है मैंने आर्टिफिशियल दिए रख दिए हैं, तो ये भी अच्छे से लुक दे रहे हैं, और मिडल में एक जो रियल दिया है वो रखा हुआ है। तो चलिए अभी इस साइड पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है हमारी संदूक, और इस पर जो है मम्मी ने यहाँ पर एक सबसे पहले तो कवर डाल रखा है, और फिर ये है एक टेबल रनर, और ये टेबल रनर भी मम्मी मार्केट से ही परचेस करके लाई थी, तो ये मम्मी ने इसके ऊपर लगा रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है इस पर फिट हो जाता है और बहुत ही अच्छी जो है इसको लुक भी देता है। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर और यहाँ पर एक 2 दिए लगा रखे हैं, और यहाँ पर जो है बीच में हम लोगों ने एक जो मिट्टी का आप लोग कटोरा भी बोल सकते हो, वो इसमें मैरीगोल्ड के पेटल्स छोड़ के इसमें भी एक दिया यहाँ पर प्लेस कर रखा है हम लोगों ने। और फिर उसकी बात करें तो यहाँ पर है हमारा होम थिएटर, तो होम थिएटर के ऊपर भी हम लोगों ने जो 3 दिए हैं आर्टिफिशियल वाले वो लगा रखे हैं, और उसके ऊपर हम लोगों ने छोटा सा फ्लावर पॉट भी रख रखा है, और फिर यहाँ पर है होम थिएटर का रिमोट, और ये जो शेल्फ है ये हम लोगों ने ऑनलाइन ही परचेस किया था, तो ये वाला जो शेल्फ है ये हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर है हमारा ये छोटा सा फ्लावर वेज, जो कि आंचल को बर्थडे पे गिफ्ट मिला था नेबर वाली आंटी से, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो इसको हमने यहाँ पर लगा रखा है। और इसके आजू बाजू भी हम लोगों ने 2 आर्टिफिशियल जो कैंडल है वो रख रखी हैं। और फिर आता है यहाँ पर इस रैक के जो 2 छोटे छोटे आप लोग शेल्फ बोल सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने रूबिक्स क्यूब रख रखे हैं दोनों साइड, और इनके हम लोग सेम मैचिंग ही कलर्स बना देते हैं, तो ये अच्छे लुक भी देते हैं। और यहाँ पर है हमारा सेट ऑफ बॉक्स, और फिर नीचे की साइड में यहाँ पर हम लोगों ने रख रखे हैं टीवी के सारे रिमोट, और फिर जो है ये जो बास्केट है हमारी, ये देखिए ये है रिमोट वाली जो बास्केट आप लोग बोल सकते हो इसको, और इस जो बॉक्स है इसमें हम लोगों ने रख रखे हैं सारे, आप लोग ये मेडिकल बॉक्स ही बोल सकते हो, इसमें सैनिटाइजर है और बहुत सारे मेडिसिन भी हैं, तो इसको हम लोगों ने यहाँ रख रखा है। और फिर इसके साइड में है हमारे टॉर्च, तो टॉर्च को भी हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं क्योंकि टॉर्च की इसी रूम में सबसे ज्यादा जरूरत है।
और फिर इसके बाद आता है हमारा ये वाला, हम लोगों ने छोटा सा डांडिया के लिए बॉक्स बनाया था ये वाला। और फिर उसके बाद ये है हमारा ट्राइपॉड, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर रखा है। तो आप लोग देख सकते हो वहां से लेके यहाँ तक इस पूरा जो संदूक है वो हम लोगों ने कितने अच्छे से जो है प्लेस कर रखा है, ये देखिए आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर है हमारा की स्टैंड, ये की स्टैंड है हमारा और इसमें जो है हम लोग अपनी सारे की रखते हैं। और सीजर भी है, हेयर बैंड भी है, नेल कटर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और नीचे है मम्मी पापा का एक प्यारा सा फोटो। और इस साइड में अगर हम लोग आए तो इस साइड में है हमारा छोटा सा शोकेस बोल सकते हैं आप इसे, कि हम लोगों ने बहुत ही प्यार से इसको सजाया हुआ है। तो इस शोकेस के सबसे नीचे वाले खंड में तो हमारा बुक शेल्फ है, हम लोगों ने सारी बुक जो है वो यहाँ पर प्लेस की हुई है अपनी। और फिर उसके बाद जो है ऊपर जितने भी जो भी शेल्फ हैं उन सभी में हमारे कुछ प्यारे प्यारे जब हम छोटे से थे तब के फोटोज हैं, तो वो हम लोगों ने अच्छे से प्लेस कर दिए हैं। और उनके आजू बाजू जो है दो सिमिलर जो है फ्लावर पॉट लगा दिए हैं। और ये जो फ्लावर पॉट आप लोग देख पा रहे हो ये हम लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये देखिए हम लोगों ने प्लास्टिक के ग्लास में सीमेंट डाल दिया और फिर ये डाल दिए तो ये बन गया अच्छे सा फ्लावर पॉट। तो यही है हमारा एक छोटा सा शेल्फ और इस पे भी हम लोगों ने ये वाली जो माला है ये लगा रखी है। तो ये इस जो ये खाली दीवार है इसको ऐसे ढक देती है और ये बहुत ही सुंदर जो है लुक भी देती है। और इस साइड में हम लोगों ने ये लगा रखी है दो पेपर की आप लोग माला बोल सकते हो इसको, और ये भी हम लोगों ने खुद अपने हाथों से ही बनाई है। और इस साइड में अगर आप लोग आओ तो ये दीवार पूरी खाली हुई है और ऊपर में मैंने अपना छोटा सा क्राफ्ट लगा रखा है और ये क्राफ्ट भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है। और यहाँ पर जो है हमारी चेयर रखी हुई है और ये है हमारा सेकंड एंट्रेंस गेट, ये वाला जो गेट है ये भी हमारा दूसरा एंट्रेंस ही है। और यहाँ पर जो है ये हमारा क्लास का टाइम टेबल है क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती रहती हैं, तो ये टाइम टेबल हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है क्योंकि ये जो गेट है ये कभी खुलता ही नहीं है, हम लोग इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, हम लोग मेन वही वाला गेट है हमारा तो उसी को यूज करते हैं। और ये जो आप जितना भी एरिया देख पा रहे हो शोकेस के बिल्कुल ऊपर हम लोगों ने लगा रखा है टीवी, और टीवी के ऊपर जो है ये जितना भी आप लोग ये हार्ट शेप का एरिया देख पा रहे हो ये सारा भी हम लोगों ने खुद अपने हाथों से ही बनाया है। तो आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये वाला। और ये जितने भी आप लोग क्राफ्ट देख पा रहे हो ये सारे हम लोगों ने अपने खुद हाथों से ही बनाए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लिस्ट फोर्थ कमरे में। और यहाँ फ्रेंड्स सॉरी मैं ये दिखाना भूल गई थी, तो इस जो ये जो वॉल है यहाँ पर भी हमने जो है ऐसे जो छोटे से बड़े वाले साइज में हम लोगों ने ये हार्ट शेप खुद ब्लू कलर के बना के लगा रखे हैं। और एक सेकेंड मैं आपको चढ़ दिखाती हूँ। और ये जो क्राफ्ट है ये वॉल हैंगिंग के लिए था एक्चुअली, तो पर मैं हम लोगों ने ये भी अपने हाथों से ही बनाया है, ये मैंने बनाया है। और वो जो क्राफ्ट आप देख रहे हैं येलो कलर का वो करण ने बनाया है और वो है सनफ्लावर। और ये जो ऊपर जितने भी आप लोग रिबन देख पा रहे हैं ये सारे भी हम लोगों ने खुद लाइडर पे जड़ जड़ कर ही लगाए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ रूम।
देख लेते हैं। तो सबसे पहले फोर्थ रूम के एंट्रेंस पे हम लोगों ने ये झूमर लगा दिया है और ये है थर्ड वाला झूमर। तो ये हम लोगों ने यहाँ एंट्रेंस गेट पे लगा दिया है और ये जो है ये शुभ दीपावली का मम्मी पोस्टर लेकर आई थी तो वो हमने लगा दिया है। और सॉरी कि हम लोगों ने इस एंट्रेंस गेट के लिए कुछ भी नहीं किया, ये वाला एंट्रेंस गेट जो है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, पर हम लोग इस गेट के लिए भी कुछ सोच रहे हैं तो हम लोग इस गेट को भी पूरा डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पर जो है इस रूम में सबसे पहले आने पे हम लोगों को मिलता है हमारा मंदिर, और मंदिर ही होता है जो घर का सबसे बेस्ट कोना होता है। तो चलिए हमारे मंदिर को भी जो है देख लेते हैं। तो मंदिर में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, सारा मंदिर पूरा फुल डेकोरेट कर रखा है। ये देखिए ये जो फ्लावर्स है ये भी हम लोगों ने खुद अपने हाथों से ही बनाए हैं। ये देखिए ये वाले जो शिव जी के पोस्टर्स के आजू बाजू फ्लावर्स हैं ये भी हम लोगों ने खुद से बनाए हैं। और चलिए अभी मंदिर को देख लेते हैं। सबसे पहले मम्मी ने ऊपर लगाई है आम के पत्ते और मैरीगोल्ड की माला, जो कि हर सदस्य अपनी दिवाली पे लगाता ही है अपने मंदिर को। और ये यहाँ रख रखी है हम लोगों ने रामायण, और ये जो लाइट है ये गिर रखी है, हम लोग इसको ठीक कर देंगे। तो ये है रामायण वाला, और फिर उसके नीचे वाले शेल्फ में आती है हमारी जो भी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो मूर्तियां यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तीन मूर्तियां प्लेस कर रखी हैं। और ये जो नीचे वाला है इसमें हम लोगों ने सबसे बड़ी मूर्ति लक्ष्मी माँ की लगा रखी है, जो कि हम कल ही न्यू लेकर आए थे। आप लोगों ने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ लगा दी है, और इसके इर्द गिर्द जो है करवा माता की फोटो हम लोगों ने रख रखी है जो मम्मी करवा चौथ के दिन लेकर आई थी। और फिर उसके बाद जो आसन है वो हम लोगों ने मैरीगोल्ड की जो लड़ियां होती हैं उसे डेकोरेट करके हम लोगों ने अच्छे से सजा रखा है इसको। तो ये देखिए यहाँ पर जो भी है अच्छे से सज रखा है। और अगर आप लोग पीछे की तरफ में थोड़ा सा ध्यान दें तो पीछे की तरफ में हम लोगों ने जो है गिफ्ट पेपर लगा रखा है, क्योंकि ये लुक भी बहुत सुंदर देता है और इससे जो है हमारा मंदिर फुल भरा भरा सा भी लगता है और डेकोरेट सा भी लगता है। और अब बात करें तो यहाँ पर आजू बाजू जो है हम लोगों ने मिट्टी के कलश रख रखे हैं, और ये शुभ माने जाते हैं कि मिट्टी के कलश मंदिर में हमेशा रखने ही चाहिए। तो इस कलश में जो है हम लोगों ने चावल डाल रखा है और एक इसमें चांदी का सिक्का है। तो इस कलश को हम लोगों ने राइट साइड में प्लेस किया हुआ है, और इस कलश में जो है पानी है और गंगा जल है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने आम के पत्तों का ऐसा सर्कल सा बना रखा है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है। और ये है आरती की सारी थालियां, और पीछे जो है हम लोगों ने कॉटन बॉक्स रख रखा है, उसमें सारी कॉटन है तो हम उसकी लोहिया बना के और अच्छे से जो जला लेते हैं। और अब बारी आती है हमारे नीचे वाले खन की। तो नीचे जो शेल्फ है उसमें हम लोगों ने वो मूर्तियां रख रखी हैं जो जैसे मूर्तियां रख रखी खड़ी वाली। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर रख रखी है राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की मूर्ति, और यहाँ पर जो है हमने रुद्राक्ष भी रख रखा है। और फिर इस साइड में हम लोगों ने रख रखी है एक लक्ष्मी माँ की छोटी सी मूर्ति, और ये है एक कान्हा जी की मूर्ति, और ये गणेश जी की मूर्ति है, और ये एक फोटो फ्रेम है, ये वैष्णो माता की फोटो फ्रेम है जो हम 2 साल पहले वैष्णो देवी गए थे जम्मू, तो वहां से हम लोग लेकर आए थे इसको। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी जो कि यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर जो कलश है उसमें हम लोगों ने रख रखा है गंगा जल, तो इसका इन सबका जो शुद्धिकरण है वो हम इस गंगा जल से कर देते हैं हमेशा। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारी जो कथा है बुक्स हैं आरती की वो सारी रख रखी हैं, और अगरबत्तियां रख रखी हैं अच्छे से। तो और पीछे की साइड में अगर आप लोग देखें तो पीछे के साइड में जो है 3 गणेश जी और माँ सरस्वती और लक्ष्मी माता की मूर्तियां हैं, और ये मूर्ति इस साल आई है दिवाली पर, और जस्ट बिल्कुल इसके नीचे ही ये वाली जो मूर्ति आई ये हमारी पिछले साल दिवाली पर आई थी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से लगा रखी है, और बस यही है हमारा छोटा सा मंदिर। और मंदिर की अगर राइट साइड पर आए तो ये है हमारे भोले बाबा की छोटी सी पोस्टर, ये हम लोगों को गिफ्ट में मिली थी तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है अच्छे से। और इसको भी आजू बाजू मैंने पूरा अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, क्योंकि शिव जी मेरे फेवरेट हैं, तो इसलिए ये जो ये वाला जो एरिया है ये करण और आंचल ने संभाल लिया, और शिव जी के पोस्टर का जितना भी डेकोरेशन था वो मैंने कर दिया अच्छे से।
और अगर आप लोग देखें तो मंदिर के आजू बाजू जो है हम लोगों ने लाइटनिंग लगा रखी है। ये लाइट थोड़ी सी बड़ी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने जो है ये तीसरा और चौथा कन कवर नहीं कर पाए हम लोग, पर जो आजू बाजू वाला फर्स्ट और सेकंड है वो हम लोगों ने कवर कर दिया है। और थोड़ा सा हम लोगों ने जो है शिव जी के जो पोस्टर थी यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए मैं आपको लुक दिखाती हूँ लाइट बंद करके। तो ये देखिए लाइट बंद करने के बाद मंदिर का कितना सुंदर जो है लुक आ जाता है। तो चलिए अभी लाइट ऑन कर लेते हैं। और फिर अगर आप ऊपर वाला जो शेल्फ है वो देखिए, तो वो हम लोगों ने अपने होम मेड जो फ्लावर पॉट है उनसे सजा रखा है। आप लोग देख ही सकते हो सिमिलर के चार हम लोगों ने रख रखे हैं। और जो बीच वाला है वो भी हम लोगों ने खुद ही अपने हाथों से बनाया है, तो वो भी हम लोगों ने वहां रख दिया है। और जो आप साइड में देख पा रहे हो वो है हमारे जो कैंट आरो होता है उसके जो बॉक्स होते हैं वो लाए हुए थे। तो ये हमारे पिछले आरो का खड्डा है और ये वाला जो है अभी वाले आरो का कार्डबोर्ड है। तो हम लोगों ने यहाँ रख रखा है इसे, जो भी मोटा सा सामान होता है जो यूज में नहीं आता है तो वो हम लोग यहाँ रख देते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने रख रखी है हमारी घड़ी। तो ये जो घड़ी है ये सेकंड वाली घड़ी है हमारी, पहले तो ये वहां लगी हुई थी बाहर वाले रूम में ब्लू घड़ी की जगह, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, न्यू वाली वहां लगा दी, ओल्ड वाली यहाँ ले आए हम लोग। ये हमारा ही कमरा है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लगा दी है। और फिर यहाँ पर आता है हमारा जो कपड़ों वाली अलमारी है वो है यहाँ पर। तो इसके ऊपर भी जो है मम्मी ने अच्छे से ये जो माता रानी की पोस्टर है ये अच्छे से चिपका रखी है, स्टिकर है ये। और उसके ऊपर मम्मी ने ये ढक रखा है एक बहुत ही सुंदर सा टॉवल। और ये आता है ये शेल्फ है और इसमें थोड़ा यहाँ जो है हम लोगों ने अपने हैंगर्स रखे हुए हैं और ऊपर जो है बेडशीट्स और पिलो कवर है और ऊपर हमारा क्राफ्ट का सामान है सारा। तो ये इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे कवर कर दिया है। एक ग्रीन कलर का कर्टन था वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा था, तो मम्मी ने बोला कि इस शेल्फ को भी जो है हम लोग कवर कर देते हैं, तो इसलिए इस शेल्फ को भी हम लोगों ने ऐसे कवर कर दिया है। और फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने स्कूल बैग्स रख रखे हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे चेयर पे क्यों रख रखे हैं, हमारे पास टेबल नहीं है, पूरे घर में आप लोगों ने छान मार लिया होगा लेकिन कहीं पे भी टेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने टेबल सोचेंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने अभी के लिए चेयर पे ही एडजस्ट कर रखा है इनको। और फिर उसके बाद ये देखिए ये है हमारा एक छोटा सा रैक, आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा ही होगा, पर आज इसको बहुत ही सुंदर मैंने डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पर जो है दो आर्टिफिशियल माला लगा दी है, एक्चुअली मम्मी तीन लेकर आई थी, एक आपने किचन में देखी होगी और दो मैंने यहाँ लगा दी है। तो ये जो शेल्फ है ये बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया है। और इसके अंदर जो है हम अपनी डेली यूज वाली बास्केट रखते हैं, जैसे कोई बास्केट में कंघी है किसी में तेल है तो वही सब बास्केट हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। और इसके ऊपर खाली खाली लग रहा था तो मैंने बड़ा वाला जो फ्लावर पॉट है ये यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये हमारे बैग्स हैं। और यहाँ पर जो है खिड़की है तो इसलिए मम्मी ने कर्टन्स लगा रखे हैं यहाँ पर। और ये जो है ये है हमारा डबल बेड, ये डबल बेड है और इसके ऊपर ये देखिए आप लोग देख सकते हो एक बहुत ही जो मोटा है मैट्रेस है यहाँ पर। और फिर ये देखिए ये हमारा डबल बेड है और यहाँ पर मम्मी ने पिलो कवर लगा दिए हैं और ये इसी के कवर है। और यहाँ पर जो है मम्मी ने सारे ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं क्योंकि अभी सर्दियां आ रही हैं तो ठंड भी हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग ये निकाल लिए हैं मम्मी ने। और ये वाला बेड जो है ये हम तीनों का ही है, हम तीनों का कमरा है ये, तो यहाँ पर हम लोगों ने डबल बेड रखवाया। और फिर उसके बाद आप लोग देखें तो ये रूम भी पूरा फुल्ली डेकोरेटेड है, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और अगर यहाँ फिर चलिए अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों ने फ्लावर्स से जैसे मंदिर में लगा रखे हैं वैसे ही येलो और व्हाइट कलर के फ्लावर से हम लोगों ने हार्ट शेप बना दिया है। तो हार्ट शेप बना के हम लोगों ने अच्छे से इनकी दो लेयर्स बना दी हैं और उसके अंदर जो है हमने पिंक और व्हाइट कलर की बटरफ्लाई बना के लगा दी है। हाफ में हमने पिंक लगाई है, हाफ में हमने व्हाइट लगाई है,
तो ये बहुत ही सुंदर सा जो है लुक आ रही है इनका। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो जितना भी ये लेयरिंग है ये भी हम लोगों ने खुद अपने हाथों से ही बनाया है। ये सबसे बड़ा वाला है और फिर छोटे 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 हमने ऐसे लगा दिए हैं। ऐसा का ऐसा ही हम लोग सेम टू सेम बना के इस साइड पर भी लगाएंगे। और फिलहाल के लिए तो यही है हमारे पास। तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए कितना सुंदर जो है ये पूरा जो लुक है वो आ रही है इसकी। और अगर हम चले अभी हमारे राइट साइड पर, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने तितलियां बनाकर रख रखी हैं बहुत सारी। तो ये जो तितलियां हैं ये हमने वही जैसे दिल वाला शेप का छोटे से बड़ा वाला शेप में ऑर्गेनाइज किया है, तो ऐसे ही हम लोगों ने बटरफ्लाईज को भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया है। और ये है पूरे 120 या 130 हार्ट्स, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे करके छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में लगा रखे हैं। मुझे तो टोटल नहीं पता कितने हैं, पर एक्चुअली 150 के करीब होंगे। तो ये देखिए ये जो दोनों हैं इनका हमने लुक बना रखा है। वैसे हमें तितलियों को और कंप्लीट करना है, पर अभी के लिए बस हम लोगों ने इतना ही कर रखा है। तो ये है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट रूम है, फोर्थ वाला। तो इसको तो चलिए फ्रेंड्स, यही था हमारा छोटा सा आशियाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हमने तो यहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी आपको कोई भी कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसे पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज वाली इस वीडियो में इतना ही। आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। इससे आपको जो है हमारे इस प्यारे प्यारे घर की प्यारी प्यारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहेंगी। और बस इतना ही है, अगर कोई भी कमी दिखती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और सजेशन भी देना चाहते हैं जैसे इसको रिप्लेस करके यहाँ करिए तो वो भी हमें बता देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।